Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again. Is exam prep. Hopefully आप बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, अपने और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस अब देखो कॉमेंट्री की जो डेट है वो आ चुकी है, और खैर डेट तो पहले ही आ गई थी लेकिन अब 19 तारीख को पेपर है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी ये क्वेश्चन कि सिलेबस तो हमें मिला ही नहीं, तो सिलेबस है क्या? तो जनरली मोटा मोटा हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ कॉमेट के कौन से बहुत सारे जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके भी एक ब्रीफ बहुत छोटा सा मैंने बनाया हुआ है। तो हमेशा की तरह लेफ्ट में आप लोगों को सारी चीजें दिखाता हुआ चलूंगा। सिलेबस पे पूरा डिस्कशन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है रहेगा कॉमेट के एग्जामिनेशन में। तो आप जैसे कि पता ही है सबको 19 तारीख को अपना एग्जाम है, तो अब लेफ्ट में हमेशा साथ में दिखाता हुआ मैं आप लोगों को चलूंगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप लोग कॉमेट के मणिपाल वीआईटी जैसे कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही नॉर्मल से चार्जेस मैंने रखे हैं और आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जस्ट यू हैव टू कम विजिट से हाय, और जो भी नॉमिनल अमाउंट मैंने रखा हुआ है 1500 और 1600 वो आप मुझसे पे कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उससे बेनिफिट आपको क्या, पूरी की पूरी काउंसलिंग के दौरान मैं आपके साथ बना हुआ रहूंगा और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, चॉइस फिलिंग होगी, इसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन जो आएंगे उनके लिए मैं आपके साथ बना हुआ रहूंगा, आपकी हेल्प करता हुआ रहूंगा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेफ्ट में देखेंगे अपन ऑल अबाउट कॉमेट के 2022 बाय एग्जाम टपरी, आपको दिख ही रहा होगा। थोड़ा सा और आगे आ जाता हूं तो अब अगला जो स्लाइड है उसमें मैं आपको दिखा दूं कि वो स्लाइड उन्होंने किससे बनाई है। तो अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पे मैं एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट जो कि 19 तारीख को अपना पेपर है, 19 तारीख को रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डेट खत्म हो गई थी और 19 तारीख को अपना पेपर था। तो 19 तारीख के बाद अगर आप देखोगे तो 19 जून को अपना पेपर है और आंसर की जो आएगी वो 22 जून तक आ जाएगी। उसके बाद आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से जेईई मेन में हम लोग चैलेंज करते हैं। तो चैलेंज करने की डेट इन्होंने क्या दी हुई है, 24 जून दी हुई है, और फाइनल आंसर की आ जाएगी 30 जून तक, और कॉमेट के का जो रिजल्ट आ जाएगा वो 5 जुलाई तक आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, मतलब मुश्किल से 15-20 दिन में सारा प्रोसेस अपना हो जाएगा। थोड़ा सा मैं और आगे आ जाता हूँ। तो अगली स्लाइड में बता दूं, लास्ट ईयर जो कॉमेट के में जो स्टूडेंट्स अपियर हुए थे वो हुए थे 44,000 के आसपास स्टूडेंट्स अपियर हुए थे और 66,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। तो आप देख सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है इस साल स्टूडेंट ज्यादा होंगे क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो जेईई मेंस का पेपर तब तक मतलब काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का पेपर हो चुका था और जेईई मेंस का पेपर तब तक हो चुका था, तो बहुत कम बच्चे बच गए थे जिन्होंने कॉमेट में पार्ट लिया था। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि यार आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिए, उससे कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। साथ ही साथ कॉमेट की हर बारीक से बारीक डिटेल के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हुआ रहूंगा, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब देखो टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, आरवी है, बीएमएस है, रमैया है, दयानंद सागर है, बीआईटी बैंगलोर है। इसमें एक जो मेजर दिक्कत जो मैंने बच्चों को साथ देखी हुई कि एक एक नाम के दो दो कॉलेजेस हैं, तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम हो जाता है बच्चों के लिए चॉइस फिलिंग के दौरान। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको पास कोई ऑलरेडी मेंटोर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई ना कोई मेंटोर आप जरूर कर लीजिए। तो ये कुछ सारे टॉप 10 कॉलेजेस हैं। इसमें पीएस जो है वो अब वो अपना सेपरेट एग्जाम कराने लगा है, तो पीएस आप छोड़ दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, तो जो टॉप कॉलेजेस जिसकी मैं आरवी की बात कर रहा था, तो यहाँ पे कुछ इसके प्लेसमेंट के जो स्टैट्स हैं वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो लास्ट ईयर जो टोटल जो ऑफर हुए थे वो आप देखेंगे तो 1415 जो टोटल जो नंबर ऑफ ऑफर जो कंपनी ने किए थे वो 1415 के आसपास कंपनी ने ऑफर किए थे, और जो कंपनीज जो आई थी तो 281 कंपनीज यहाँ पे आई हुई थी। तो मतलब बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आई थी, जिसमें काफी बड़ी बड़ी कंपनीज आप जान माइक्रोसॉफ्ट मान लीजिए, अमेजोन मान लीजिए, टीसीएस मान लीजिए, विप्रो मान लीजिए, तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे आई थी। अगर इसके एवरेज पैकेज की मैं बात करता हूँ तो एवरेज पैकेज भी अगर आप देखोगे तो 14 लाख एंड अबव बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आरवी का जो लेवल है वो कहीं से भी कम नहीं है। आरवी हो गया, बीएमएस हो गया, रमैया हो गया, दयानंद सागर हो गया, ये जो कॉलेजेस हैं इनका जो लेवल है वो मतलब टॉप 5, 6, 6 और 9 के बाद अगर आप देखोगे तो इनका भी एक लेवल अच्छा खासा है। तो अगर आप कॉमेट के में पार्टिसिपेट कर रहे हो और पेपर अपना अच्छा जाता है तो एक अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है अपने को कुछ टॉप कॉलेजेस में आने की, और आफ्टर 4 ईयर एक अच्छे प्लेसमेंट की। अगला मैं रमैया का भी देख लेता हूँ, तो रमैया का भी अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे तो 8 लाख के आसपास
रोमानिया का एवरेज पैकेज है 50 लाख का हाईएस्ट पैकेज और 95% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे रहा था। थोड़ा सा मैं और आगे आ जाता हूँ, अगर मैं बात करूँ फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि सिलेबस इस बार कॉमेट के ने क्या किया अनाउंस नहीं किया है, तो आप एक बार लेफ्ट में सारी चीजें देख के चलो कि फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, सॉलिड एंड सेमी कंडक्टर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, तो इन सारे टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन का जो लेवल था वो आया हुआ था। फिजिक्स में और भी जो दूसरे टॉपिक्स है वो भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हुआ चलता हूँ। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, जनरली अगर आप टॉपिक्स देखोगे तो जेई मेंस के ही ज्यादातर जो टॉपिक हैं वही हैं, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो जिन बच्चों ने जेई मेंस की बहुत से तैयारी की हुई है उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, पेपर नहीं होने वाला है। थोड़ा सा मैं और आगे जाता हूँ, केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। तो केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और केमिकल काइनेटिक्स जैसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे होंगे, इनको आप जरूर कवर कर लीजिए। और ओवरऑल देखिए ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मैं और आगे जाता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो अगर मैथमेटिक्स की बात लेता हूँ तो कैलकुलस हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हो गया, वेक्टर्स और हो गया, और 3D ज्योमेट्री से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बने हुए रहते हैं यहाँ पे। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे और ये लगभग पूरा मैथमेटिक्स का कवर हो जाएगा। एक बार पेपर की मैं बात कर लेता हूँ तो पेपर लगभग 180 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमको करने हैं, प्लस वन यहाँ पे पॉजिटिव मार्किंग है और -1 नेगेटिव मार्किंग है। 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है और 180 उसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। आपका पेपर रहेगा ऑनलाइन, सेंटर्स आपके आसपास आपको अलॉट हो जाएंगे, एडमिट कार्ड आप लोगों ने अब तक डाउनलोड कर ही लिए होंगे। कुछ और आपकी क्वेरीज है, यू कैन जॉइन मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।